हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीप स्टडी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बायोग्राफी ऑफ कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जो कि खिलजी डायनेस्टी के फोर्थ रूलर थे। इनका टाइम पीरियड 14 अप्रैल 1316 से 1 मई 1320 तक रहा। इनका जन्म 1298 से 1299 के बीच में हुआ था। इनके फादर का नाम अलाउद्दीन खिलजी था और इनका कोरोनेशन 14 अप्रैल 1316 को 17 से 18 साल की उम्र में हुआ था। इनका रिलीजन सुन्नी इस्लाम था और इनकी मृत्यु 9 जुलाई 1320 को हजर सुतन प्लेस दिल्ली में हो गई थी। बात करते हैं इनके एसेशन टू थ्रोन की, तो जो काफुर थे उन्होंने अलाउद्दीन की सबसे बड़ी बेगम मलिके जहां और उनके सबसे बड़े बेटे मुबारक शाह को बंदी बना लिया था, जिसके खिलाफ उनके जो फॉर्मर बॉडीगार्ड्स थे, अलाउद्दीन खिलजी के जो फॉर्मर बॉडीगार्ड्स थे, उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने काफुर के खिलाफ एक्शन लिया और उनकी फैमिली, अपने जो मास्टर थे उनकी फैमिली को उन्होंने जेल से निकाला, काफुर का मर्डर किया और मुबारक शाह को फ्री कर दिया। जेल से बाहर आने के बाद मुबारक शाह शिहाबुद्दीन का गार्जियन बन गया। अब शिहाबुद्दीन के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, शिहाबुद्दीन थर्ड रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के। तो जब मुबारक शाह शिहाबुद्दीन का गार्जियन बन गया तो उसने शिहाबुद्दीन को ग्वालियर भेजा, जहां पर मुबारक शाह के कुछ फेथफुल सोल्जर्स ने शिहाबुद्दीन की हत्या कर दी और अप्रैल 1316 को मुबारक शाह ने दिल्ली की सल्तनत पर अपना परचम लहराया, दिल्ली सल्तनत की गद्दी अपने अंडर में ले ली। अर्ली लाइफ, मुबारक शाह ने दिल्ली सल्तनत की गद्दी कुतुबुद्दीन के टाइटल से 14 अप्रैल 1316 में, जब वो 17 से 18 साल की उम्र के थे, तब उन्होंने दिल्ली की गद्दी पर बैठे। उन्होंने एक टाइटल अपने नाम किया खिलाफतुल्ला, जिसको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड माना जाता था। मतलब खिलाफतुल्ला का मतलब था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, वो टाइटल उन्होंने खुद को दिया। और इस चीज़ का जो अपेरेंस है वो उनके सिक्कों पर भी दिखाई देता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये जो मुबारक शाह के द्वारा सिक्के चलाए गए थे, इस पर लिखा हुआ है मुबारक शाह रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। गद्दी पर बैठने के बाद एक साल बाद ही मुबारक शाह ने अलाउद्दीन के जो सभी ऑफिसर्स थे और गवर्नर्स थे उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया, जिन्होंने एक साल तक उस गवर्नमेंट को बहुत ही संभाल कर रखा हुआ था। मुबारक शाह जो था वो एक बाइसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल था, जो कि होमोसेक्सुअल रिलेशन में रहता था अपने दो ब्रदर्स के साथ, हसन, जिनको बाद में खुसरो खा के नाम से जाना गया, और हुसामुद्दीन। मुबारक शाह अपनी लाइफ में सेक्सुअली इतना ज़्यादा एंगेज था कि वो नेकेड प्रोस्टिट्यूट्स जो थे उनकी परेड निकलवाता था अपने पैलेस के टेरेस पर। 16th सेंचुरी के हिस्टोरियन फिरिश्ता के अकॉर्डिंग मुबारक शाह वॉज अ मॉन्स्टर इन द शेप ऑफ मैन। उनके अकॉर्डिंग ये कहना था कि मुबारक शाह जो थे वो इंसान के रूप में एक मॉन्स्टर थे। बात करते हैं मुबारक शाह के पॉलिसीज की। तो अलाउद्दीन ने अपने टाइम में क्या काम किया था, अपनी गवर्नमेंट को स्टेबल बनाने के लिए उसने ये काम किया था कि जो भी करप्शन या फिर जिस भी तरीके का कोई करप्शन हो रहा है या पॉलिटिकल ऑफेंस हो रहे हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए वो तुरंत ही किसी को भी जेल में डालने का ऑर्डर दे देता था। तो अलाउद्दीन ने अराउंड 17,000 to 18,000 ऑफिसर्स को जेल में डाला हुआ था करप्शन की वजह से या पॉलिटिकल ऑफेंसेस की वजह से। तो मुबारक शाह ने उन सबको रिलीज़ कर दिया। अलाउद्दीन ने लिकर को बैंड किया हुआ था, शराब को बैंड किया हुआ था, बहुत सारे टैक्सेस अप्लाई किए हुए थे, फाइंस अप्लाई हुए किए हुए थे, जो भी मार्केट रिफॉर्म्स को नहीं मानता था उन सब पर उन्होंने टैक्सेस और फाइंस लगाए हुए थे। लेकिन जैसे ही मुबारक शाह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आया, उसने ये सभी टैक्सेस को हटा दिया, लिकर के ऊपर से भी बैन हटा दिया, शराब के ऊपर से बैन हटा दिया। लेकिन एक चीज़ जो मुबारक शाह ने की वो ये थी कि जो भी नशे वाली चीज़ थी, अफीम था, इन सब पर जो बैन लगा हुआ था उसको उसने नहीं हटाया।
और उसने ये भी आदेश निकाला कि किसी भी टैक्स को रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्श मेजर्स का यूज़ नहीं किया जाएगा, किसी को इतनी जल्दी से बंदी नहीं बनाया जाएगा। मुबारक शाह ने अलाउद्दीन खिलजी के लगाए हुए प्राइस कंट्रोल मेजर्स को भी रद्द कर दिया, जिससे उसकी इकोनॉमी में ग्रोथ हुई। अब वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव था, तो उसके टाइम पे जो गर्ल्स का प्राइस था, ब्यूटीफुल स्लेव गर्ल्स का प्राइस था, किन्नरों का प्राइस था, और जो यंग बॉयज़ थे उनका प्राइस जो था वो 500 टकास से लेके 2000 टकास तक पहुंच गया था। वो बेस इस उनकी जो डिमांड थी उस चीज़ पर वो बेस करता बेस था कि उनका जो अमाउंट है वो कहाँ से कहाँ तक होगा। जो मुबारक शाह था उसने अपने सोल्जर्स को, सेना को 6 महीने का की जो सैलरी थी उसके बराबर उसने उन्हें गिफ्ट किया, एक अमाउंट गिफ्ट किया, और बाकी जो अधिकारी थे, बाकी जो ऑफिसर्स थे, उनके अलाउंस में और उनकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट कर दिया गया। बात करते हैं उसकी डेथ के बारे में। तो अलाउद्दीन मुबारक शाह जो था वो एक बाइसेक्सुअल था, और उसके रिलेशन जो थे अपने 2 यूटेरियन ब्रदर्स के साथ होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में था, हसन जो कि बाद में खुसरो खा के नाम से जाना गया, और हुसामुद्दीन। तो मुबारक इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर खुसरो खां ने मुबारक शाह को 9 जुलाई 1320 में उसको मार दिया गया। खुसरो खां ने मुबारक शाह को मार दिया इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर, और ख़ुद को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ ये है कि मुबारक शाह को ही खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर माना जाता है। खुसरो खां ने खुद को दिल्ली का नेक्स्ट सल्तनत डिक्लेयर किया ज़रूर था, लेकिन उसके विद इन 2 or 3 months ही गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली पर अटैक किया और खुसरो खां से दिल्ली के थ्रोन को कैप्चर कर लिया, जिसके बाद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का नेक्स्ट सुल्तान बना और एक नई डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी की स्थापना हुई। तो जो दिल्ली का खिलजी डायनेस्टी का जो लास्ट सुल्तान है वो मुबारक शाह को माना जाता है, ना कि खुसरो खां को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।